हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन स्लैब बेस एंड गस्टेड बेस। ठीक है, ये दोनों ही कॉलम बेस का एक एग्जांपल है, एक टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स है कॉलम बेस का। कॉलम बेस के दो टाइप होते हैं, स्लैब बेस और गस्टेड बेस। इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इसके कैसे इसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, स्लैब बेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दोनों चीज हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में जब कॉलम का डिजाइन कर चुके होते हैं, कॉलम के बारे में डिजाइन कर चुके होते हैं कि कॉलम आपको कौन सा है, कॉलम इंडियन स्टैंडर्ड का जो भी SP6 के अकॉर्डिंग आपने कॉलम का डिजाइन किया हुआ है वो अगर पता चल जाता है, आपने पहले कॉलम के बारे में पढ़ चुके हैं कंप्रेशन मेंबर में। ठीक है, तो डिजाइन करने के बाद इस कॉलम को कंक्रीट के बेस से कनेक्ट करना होता है, मतलब जहां कंक्रीट का फाउंडेशन बना होगा उससे कनेक्ट करना होता है। तो उसको कनेक्ट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, पहला तरीका जिसको स्लैब बेस के नाम से जानते हैं, दूसरा तरीका जिसको गस्टेड बेस के नाम से जानते हैं। स्लैब बेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लैब आप देख रहे हैं, जो फाउंडेशन ये बना हुआ है, ये स्लैब के पास में कॉन्क्रीट का ये स्लैब होता है। ये जो कॉलम है आपका, ये कॉलम ऊपर में जो इस पे रखा हुआ है, इस कॉलम को स्लैब से कनेक्ट करना है। करते क्या है कि इस कॉलम को एक बेस प्लेट, कॉलम के नीचे एक बेस प्लेट रखते हैं, इस बेस प्लेट के साथ में इस कॉलम को कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल। इसका नाम होता है क्लीट एंगल। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए क्लीट एंगल। तो क्लीट एंगल के साथ में कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड देन इस बेस प्लेट को अगेन कनेक्ट करते हैं किससे, फाउंडेशन वाले पार्ट से। तो ये हो गया हमारा स्लैब बेस। ठीक है, स्लैब बेस का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं समझा देता हूँ कि कॉलम को पहले बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल। एक चीज ध्यान देंगे कि क्लीट एंगल का जो विड्थ होगा यह कॉलम के फ्लेंज के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, जबकि गस्टेड बेस में ऐसा नहीं होता है। गस्टेड बेस में क्या करते हैं, देखिए गस्टेड प्लेट का अगर हम बात करें तो गस्टेड में यहाँ पर भी ये सेम कॉलम है, कॉलम यही चीज है, लेकिन इसको डायरेक्टली से कनेक्ट नहीं किया गया है। करते क्या है कि कॉलम के साथ एक गसेट प्लेट को कनेक्ट करते हैं और इस गसेट प्लेट को क्लीट एंगल के हेल्प से बेस प्लेट में कनेक्ट करते हैं। ये जो पार्ट मैं जिसको कलर कर रहा हूं ये है बेस प्लेट, ये जो है ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट के साथ में कनेक्ट है कौन सा, तो क्लीट एंगल। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। स्लैब बेस में क्या होता है कि कॉलम को डायरेक्टली बेस प्लेट से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल, जबकि गसेटेड बेस में क्या करते हैं, कॉलम को प्लेट गसेट प्लेट से कनेक्ट करते हैं एंड गसेट प्लेट को कनेक्ट करेंगे क्लीट एंगल के हेल्प से बेस प्लेट में। तो यही दोनों में डिफरेंस है एंड देन बेस प्लेट में जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इस बेस प्लेट को फाउंडेशन के साथ में इसको हम लोग अटैच करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि गस्टेड बेस और स्लैब बेस में क्या डिफरेंस है। अब इसके बारे में अगर कुछ लिखने चाहेंगे तो लिख सकते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए कि इसका जो विड्थ है, क्लीट एंगल का विड्थ कॉलम के फ्लेंज के विड्थ के बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्लीट एंगल का विड्थ किसके बराबर है, तो गसेट प्लेट के विड्थ के बराबर है और गसेट प्लेट का विड्थ क्लीट ये कॉलम के विड्थ फ्लेंज के विड्थ के बराबर नहीं होता है, इससे ज्यादा होता है। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं हैवी लोड जब इस पर आ रहा होगा कॉलम पे, उस केस में हम लोग गस्टेड बेस का यूज करेंगे, जब लो लोड होगा तब उस केस में स्लैब बेस का यूज करेंगे। आगे हम जब डिस्कस करेंगे वेव क्रिपलिंग और वेव बकलिंग के बारे में तो वहां भी इस चीज का यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो गस्टेड बेस का वहां पर हम लोग यूज करेंगे जिससे वेव क्रिपलिंग नहीं होता है और स्लैब बेस में वेव क्रिपलिंग आ जाता है। तो मेरे दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि अगर आपको लिखने के लिए आए दोनों में डिफरेंस क्या लिख सकते हैं। तो स्लैब बेस में लिखेंगे द लोड ऑन कॉलम इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बेस प्लेट, कॉलम का जो लोड होगा डायरेक्टली बेस प्लेट पर ट्रांसफर होगा, हेंस थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर बेस प्लेट इज मोर। इस केस में आपका थिकनेस जो होना चाहिए, थिकनेस बेस प्लेट का ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉलम पर अप्लाइड लोड डायरेक्टली बेस प्लेट पर आएगा और इसलिए बेस प्लेट का थिकनेस यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू गस्टेड बेस में। ठीक है, अगला है इसमें और गस्टेड बेस में क्या है, द लोड ऑन कॉलम इज ट्रांसफर थ्रू गसेट प्लेट, गसेट प्लेट के थ्रू लोड का ट्रांसफर होता है एंड बेस प्लेट टुगेदर दोनों के साथ में, हेंस द थिकनेस रिक्वायर्ड इज लेस देन दैट ऑफ स्लैब बेस। तो यहाँ पर बेस प्लेट का जो थिकनेस होगा ये स्लैब बेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कम आप दे सकते हैं।
सेकेंड थिंग है द क्लीट एंगल आर यूज टू कनेक्ट कॉलम सेक्शन टू बेस प्लेट फॉर द विड्थ ऑफ कॉलम। यहाँ पर क्लीट एंगल का यूज क्या करते हैं कि कॉलम सेक्शन को कनेक्ट करें किसे, बेस प्लेट से। ठीक है, कॉलम सेक्शन को बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, जबकि इस सेक्शन में गस्टेड बेस में क्लीट एंगल आर यूज टू कनेक्ट गसेट प्लेट टू बेस प्लेट। यहाँ पर गसेट प्लेट को बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए क्लीट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्लैब बेसेज आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है एंड फास्टनिंग द एलिमेंट स्पीडली। और फास्टिंग मतलब कि जोड़ना, एक बेस प्लेट को स्लैब बेस से जोड़ना जो होता है वो स्पीडली वर्क हो जाता है, जबकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है गस्टेड बेस का। क्यों? क्योंकि गस्टेड प्लेट को कनेक्ट करना होता है किससे, स्लैब बेस, तो इसके बेस प्लेट से। एंड मोर फास्टिंग ज्वाइंट्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर ज्वाइंट जो होंगे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, हेंस लो स्पीड ऑफ ज्वाइंट, यहाँ पर ज्वाइंट ऑफ स्पीड जो होंगे वो लो हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज ये इकोनॉमिकल होता है, लेस मटेरियल इज रिक्वायर्ड, और जबकि ये अनइकोनॉमिकल होगा, एक्सपेंसिव होगा, बट मोर स्ट्रॉन्गर देन स्लैब बेस। तो ये आपका था इसके बीच में डिफरेंसेज, कि अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, स्लैब बेस क्या है और गस्टेड बेस क्या है और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में डिफरेंस है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये वाला पार्ट क्लीट एंगल वाला जरूर पूछता है कि क्लीट एंगल का इस्तेमाल किसके लिए कब करते हैं। तो स्लैब बेस में क्लीट का एंगल का यूज कब करेंगे, बेस प्लेट को कॉलम से कनेक्ट करने के लिए, एंड इसमें बेस प्लेट को गसेट प्लेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं क्लीट एंगल का। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।